हम लोग 46 दल के लोग हैं, सीट सीमित है, सबका लक्ष्य एक है कि दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी के हवाले करना है। तो सीट का कोई झगड़ा नहीं है, 3 जीत के जाए तभी वो दिल्ली रहेंगे, 1 जीत के जाए तभी दिल्ली रहेंगे। पार्टी की उपस्थिति दिल्ली में अभी कराने के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जैसा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव के बाद जो युवाओं को 3 लाख रुपए 30 लाख नौकरी देंगे, अब हम बोलते हैं कि विरोध लगता है माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के बदौलत अखिलेश जी सीएम बने, सीएम बन के इतना मेहनत की कि एमपी बन गए, फिर एमपी बन के इतना मेहनत किए एमएलए बन गए, अब कहां से 3 लाख देंगे, वो उनका बयान है। ऐसा में क्या माना जाए कि मायावती को लेकर कहा जा रहा है कि मायावती अंतिम समय में चमत्कार करेंगी और इंडिया गठबंधन में आ सकती है? ये कोई चमत्कार नहीं, जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी या यूपी में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आप देखिए कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते, उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आज गरीब कमजोर लोग कानून का राज महसूस कर रहे हैं, जब सपा की गवर्नमेंट थी तो उसको गुंडों की सरकार कहते थे लोग, आम लोग चर्चा थी, और आज स्थिति है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही है, बिचौलिए बीच में नहीं पा रहे हैं, तो गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप अपने अगर जहूराबाद की बात करें, आप जहूराबाद में खुले मन से पत्रकारिता के हैसियत से आप पूरे जहूराबाद का सर्वे करिए, कासिमाबाद ब्लॉक का सर्वे करेंगे तो जो काम विकास का ओम प्रकाश राजभर ने गरीबों की बस्ती में छोटे छोटे काम कराया है, बड़े काम कराया है, लंबे समय तक लोग नहीं करा पाए हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में जब हम गए तो मकसद उनका विकास है, तो विकास के एजेंडे पर जो भी काम हुए वो विकास के लिए हुए। राजभर जी, अब क्या माना जाए कि आपका कैबिनेट मंत्री जो दोबारा बन रहे हैं तो क्या माने दोबारा गब्बर का आगमन हो गया है? अब जब आपकी भावना वही है तो भावना कदर की जाएगी। सुधाकर सिंह का एक बयान था, आपको तो मेंटल तक करा दी है, वो मेंटल हो गए हैं, बात कई बलिया में कुछ और बोलते हैं, गाजीपुर में कुछ और बोलते हैं, मऊ में कुछ और बोलते हैं। देखिए, अगर ये लोग सत्ता में थे, नाई कोण बाल प्रजापति बिंदु केवल मल्ला राजभर चौहान आर्य कर्मवंशी बंजारा बहनिया खंगा विवाह मियाँ सारी साई नदी मुठी, इनके विषय में सोचे होते आज दुर्गति उन लोगों की नहीं होती। सपा की गवर्नमेंट थी, उन्हीं से पूछिएगा कि मुलायम सिंह की फोटो का पेशाब किए थे, आपको पता है ना, उन्हीं से पूछिएगा मुलायम सिंह का पोस्टर फूका था तो बताते हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटा तब कहाँ खड़े थे, मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से नफरत दिला करके उनका हक लूटा कहाँ थे, दलितों का हक लूटा गया तब कहाँ थे। ओम प्रकाश राजभर वंचित शोषितों के हक की आवाज बन करके उनको जगा रहा है कि जागो तभी सवेरा है, आप शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य आपको मिले, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए, अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो, ये बात लोगों को बुरा लगती है। अरविंद राजभर को मास अंसारी का सहयोग मिलेगा कि नहीं? वो तो जेल में है तो का सहयोग करेंगे। राजभर जी, अगर बात किया जाए परिवारवाद का तो पहले सपा पर आरोप लगता था, भाजपा पर भी सपा वाले आरोप लगा रहे कि ये परिवारवाद कर रही है। अब देखिए, पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करने वाले लोग चुनाव लड़ते हैं, अब उसको परिवारवाद करते हैं का कहते हैं वो तो उनका विषय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।